हेलो चिल्ड्रन, हाय, गुड मॉर्निंग माय स्टैंडर्ड 4। यस, कैसे हो बेटा? तबीयत अच्छी है ना आप लोगों की? हेल्थ गुड ना? यस, अगेन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू विजेस मैथ्स मैजिक क्लास। एंड टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ कि आप सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया? अच्छा, तो क्या ब्रेकफास्ट में क्या करते हो आप लोग? बताओ। अच्छा, ये तो रोटी है, आप भी खाते हो? देखो, मेरा तो एक आपको मस्त बेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ, इट्स एडवाइस समझो, वन टाइप ऑफ सर का ऑर्डर समझो, जो भी समझना है, ठीक है? हाँ, मैं तो ऑर्डर दे ही सकता हूँ आप लोगों को। यस, और सर की तो बात मान लीजिए ना, ऑर्डर का मतलब होता है हुक्म करना, ठीक है? लेकिन मैं आपको प्यार से बता रहा हूँ, ओके, वेरी पोलाइटली मैं आपको एक मस्त बात बता रहा हूँ कि सुबह सुबह भी मानो आप चाय पीते हो ना, मैंने पहले भी शायद बताया होगा आपको, बताया या फिर और कोई स्टैंडर्ड में बताया होगा, नो प्रॉब्लम। मानो चाय पीते हो, एकदम प्योरली चाय पीते हो ना, तो वो बंद कर दो, ओके? नहीं पीना मतलब नहीं, मतलब बिना चाय के नहीं आपको चलता है ना, तो चाय और दूध दोनों मिक्स करके पिया करो, हाफ कप टी एंड हाफ कप मिल्क, ऐसे करके पीने का। लेकिन बट उसके साथ पराठा ही खाया करो। क्या खाना है? पराठा, गेहूं के आटे का भी बनता है, अभी तो ठंडी की सीजन ना, बाजरे की रोटी का, उसका भी मस्त हो, वो गुजराती में ढेबरा, फिर थेपला, ये सब बोलते हैं ना, मेथी की भाजी जो होती है बेटा, मम्मी को पता होता है, ये सब कुछ खाया करो, तो बहुत टेस्टी भी लगेगा और मज़ा भी आएगी। मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा सन है ना, आप लोग से काफ़ी छोटा है, अभी फर्स्ट में आ गया है वो, तो मैं उसको ना सुबह पराठा ही देता हूँ, मतलब हाँ मैं खुद ही बना के देता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत काम मैं भी करता हूँ, मतलब हो जाता है सुबह उठ के वही, तो चाय और दूध के साथ मिक्स करके उसका पराठा देता हूँ, और यू नो मैं तो उसके थोड़ा सा घी भी डालता हूँ, तो ये आप लोगों के भी ज़रूरी है, आप तो उससे बड़े हो ना। तो बेटा आज हम लोग उसी पराठा के रिगार्डिंग एक चीज़ पढ़ता है, ठीक है? पराठा, रोटी, जो भी बोलना है, तो आप आधा नहीं, पूरा नहीं खा पाते, आधा खा लो लेकिन खाया करो, लेकिन फोर्थ, वन फोर्थ तो नहीं खाना है। मान लो कि ये पराठा है, ठीक है, तो हाफ खा लो तो बहुत अच्छी बात है, पूरा खा लो तो बेस्ट बेस्ट वेरी बेस्ट, बराबर पूरा खा लो ना, फिर वही 1 बजे या 2 बजे आप वही लंच किया करो फिर, ठीक है, 12 बजे 1 बजे जब भूख लगती है तब। लेकिन और दूध पीना तो रात को भी दूध पी सकते हो, या तो फिर सुबह मानो के चाय नाश्ता कर लिया आप लोगों ने 9-10 बजे के आसपास, फिर 11 बजे भी दूध पी सकते हो, राइट? और मानो कि स्कूल का टाइम जैसे शेड्यूल होता है ना, तो उसका टाइम भी ऐसे करने का, सुबह चाय नाश्ता कर लिया जैसे कि, ठीक है, फिर 11-12 बजे दूध पियो, थोड़ा सा खा के फिर लंच ले गए स्कूल में आओ, और स्कूल में हमारे दो मानो कि, अरे यस यस, तो आप लोग की मॉर्निंग की स्कूल है ना, मैं सॉरी भूल गया, लेकिन मानो जब भी स्कूल स्टार्ट ऐसे करो, सुबह पराठा खाया करो, ठीक है, फिर लंच लेके आने का, मतलब वही डिब्बा नाश्ता के, ठीक है, उसके अंदर कुछ और कुछ भर सकते हो, ममरा या फिर कुछ हल्का नाश्ता, या फिर और भी सब्जी रोटी भी भर सकते हो, लेकिन ऐसी मतलब हेल्दी फूड खाया करो, एकदम हल्का फुल्का खाना नहीं खाना है, ठीक है? तो अभी ठंडी की सीज़न, इसलिए मैं सब बता रहा हूँ, और पराठा तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप ऑलवेज खा सकते हो, ऑलवेज, और वो भी घी के अंदर बना हुआ, और घी नहीं अच्छा लगता तेल के अंदर, ठीक है? लेकिन मम्मी को बोलो, सर ने बोला है पराठा खाया करो, ओके बेटा? तो चलो अब यू पराठे की रिगार्डिंग, यानी कि रोटी की रिगार्डिंग, अब मान लो आप आधा खाते हो तो उसको हम लोग हाफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? हाफ, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हाफ पराठा। लेकिन उससे भी थोड़ा कम खाते हो, यानी इतना हिस्सा ही खाते हो, मान लो उसका 4 हिस्से कर दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इतने पार्ट को क्वार्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? क्वार्टर, क्या बोलेंंगे? क्वार्टर। सो टू अवर टूडेज चैप्टर इज हाफ एंड क्वार्टर्स, यस, इसको क्या बोलते हैं? हाफ्स, क्या बोलेंगे? ये है ना प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होगा? HALF, हाफ, ये L साइलेंट है, हाफ, HALF, ओके? और इसका प्लूरल यानी बहुवचन क्या करेंगे? हाफ्स, यानी बहुत सारे आदमी उसको हाफ्स बोलेंगे, एंड क्वार्टर्स, ओके? तो हाफ्स एंड क्वार्टर्स के रिगार्डिंग एकदम ब्यूटीफुल मस्त स्टोरी है, तो स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। सी, मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना कि यहाँ पे बुक के अंदर ध्यान देना, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, राइट? सी, मिंटू कैट, ये रे मिंटू कैट, और ये भी दूसरी कैट है ना, इसका नाम क्या है देखते हैं, मिंटू कैट एंड मोटू कैट। अच्छा, ये मिंटू है और ये मोटू है, तो मिंटू कैट एंड मोटू, हाँ ये मोटू लिखा है, नॉट अ मोटू, इट्स अ मोटू। मिंटू कैट एंड मोटू कैट वेर फ्रेंड्स, ये दोनों दोस्त थे, मतलब कि अभी नहीं है, लिखा है ना वेर फ्रेंड्स, यानी दोस्त थे। वंस दे स्टोल चपाती, चपाती का मतलब होता है रोटी, चपाती का मतलब क्या होता है बेटा? रोटी,
चापाटी फ्रॉम मालिनीज किचन, यानी कोई मालिनी नाम की लड़की है ना, लड़की या कोई आंटी होगा, उनकी किचन में से उन्होंने एक रोटी चुरा ली, स्टॉल करने यानी चुरा लिया। आई विल टेक इट, सेड मिंटू। मिंटू ने क्या बोला कि मैं उसे ले लूँगी। नो आई विल टेक इट, नहीं मैं उसको लूँगी या फिर मैं उसे खा जाऊँगी। कौन बोलता है? सेड मोटू। ये मोटू भी क्या बोलता है? मैं खा जाऊँगी। बोलते मैं खा लूँगी यानी मैं ले लूँगी। वाइल दे वे क्वेरिलिंग, यानी दोनों मतलब आपस में बहस कर रहे थे ना, दे कैम टिट्टू मंकी। ये टिट्टू है, इसका नाम क्या है? टिट्टू। ये टिट्टू मंकी तभी आ गया, यानी दोनों के बहस चल रही, झगड़ा जैसा चल रहा था, बोला चाली हो रही थी आमने सामने तभी। हाय व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? हाय क्या कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है? व्हाई आर यू क्वारलिंग, यानी आप दोनों क्यों एकदम झगड़ा कर रहे हो, यानी आपस में क्यों बहस कर रहे हो? ये ही आस्क्ड, उसने पूछा। वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चापाटी बिटवीन अस, ये दोनों ने क्या बोला कि हमें पता नहीं है कि चापाटी को हम हमारे दोनों के बीच में कैसे बांटें, यानी कैसे आधा करें, यानी बांट दें। ओके डोंट वरी, कौन बोलता है ये? कौन बोला? हाँ क्या नाम है इसका? टिट्टू मंकी। आई विल डिवाइड इट, डिवाइड द चापाटी इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू। अच्छा मैं इसको आप दोनों के लिए आधा आधा कर देता हूँ, ठीक है, उसने बोला। किसने? यस ही सेड, उसने कहा। क्लेवर टिट्टू, होशियार जो टिट्टू था ना, बहुत चतुर था ये तो, डिवाइडेड द चपाटी लाइक दिस, उसने डिवाइड कर दिया। देखो इसकी तरह आपको दिखने से खुद पता चल रहा है ना, ये स्मॉल पार्ट लग रहा है ना, और ये थोड़ा उससे बड़ा पार्ट लग रहा है, राइट? ये स्मॉल पार्ट थोड़ा बड़ा लग रहा है ना। अच्छा ये स्टोरी आपने शायद पहले भी सुनी होगी ना बेटा, सुनी है ना, ये थोड़ा थोड़ा खा जाएगा, ऐसे करके पूरी रोटी खा जाएगा। दीज आर नॉट इक्वल, द लेफ्ट पार्ट इज बिगर, मिंटू एंड मोटू सेड। मिंटू और मोटू ने क्या कहा? ये अभी इक्वल नहीं है, इसमें से एक पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है ना वो बड़ा है, मतलब कि ये बड़ा हुआ बड़ा है, यानी यस बिगर। आई विल मेक इट इक्वल टिट्टू से, टिट्टू अच्छा ठीक है मैं उसे अभी इक्वल बना देता हूँ। देन ही कट अ पार्ट एंड लेफ्ट पीस एंड एट इट, उसने क्या किया, जो बड़ा पार्ट था ना उसको कट किया, और जो थोड़ा जो बचा, मानो कि इसको यहाँ से इतना कट किया होगा, यहाँ से ऐसे यहाँ से इतना कट कर दिया होगा, और ये जो बचा वो उसको खा गया। नहीं लेकिन उसने इतना नहीं किया, उसने क्या किया होगा बताएं? इतना ज़्यादा कर दिया ऐसे, अब ये छोटा हो गया और ये बढ़ा गया, तो ये जो पार्ट था ना वो टिट्टू खा गया। नाउ इट इज इक्वल, देखो मैंने बोला था वही किया ना उसने मैंने कि मतलब कि ये तो बेटा स्टोरी है ना, मैंने बोला उसके हिसाब से नहीं किया, लेकिन ये स्टोरी है ना, आपको पता है मंकी और ये इसकी स्टोरी आप सुने हो, आप आई थिंक फर्स्ट स्टैंडर्ड में या फिर जूनियर सीनियर में भी शायद सुने होंगे ना, कोई मैम ने सुनाया होगा। ओ नाउ द राइट पार्ट इज बिगर, अब ये राइट साइड का जो पार्ट है ना ये वो बड़ा हो गया, ये बोल रहा है नाउ इट इज इक्वल, नाउ अभी इक्वल नहीं है ना। द कैट्स कैरेट, आई एम सॉरी सेड टिट्टू, ही कट अ पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस एंड एट इट, अब उसने कट किया और जो बड़ा पार्ट था वो खा गया। वेन देयर वॉज ओनली अ स्मॉल पीस रिमेनिंग, लेकिन जब एकदम छोटा सा पार्ट बचा ना, और फिर उसने कहा, ही सेड दिस इज माई शेयर फॉर द वर्क, अब वो एकदम छोटा पार्ट बचा, क्या बोला कि अब मैंने आप लोगों के शेयर करके दिया, यानी आधा आधा किया, इतना सारा मैंने काम किया ना, तो ये छोटा पार्ट किसका? मेरा, यानी वो ले लिया। टिट्टू देन क्विकली एट द लास्ट पीस एंड क्लाइम द ट्री, एकदम छोटा सा जो सबसे पार्ट बचा था वो फटाफट खा गया और तुरंत ही वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, क्लाइम द ट्री, चढ़ गया वो। बोलो तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं ना, चतुर चालाक। यस कौन? टिट्टू। हाफ हाफ, आधा आधा। इफ द कैट्स आस्क यू टू डिवाइड द चपाटी इक्वली, हाउ विल यू डिवाइड इट, मानो ये कैट्स आपको बोलती है ना डिवाइड करने, तो आप उसको कैसे डिवाइड करते हैं? तो कैसे डिवाइड करते हैं? हाफ एंड हाफ ऐसे डिवाइड करते हैं ना, आधा आधा, मानो ये रोटी है, ठीक है ना, और ऐसे आधा कर देते आप इसको, है ना, आप स्केल से भी बना सकते हो। ओके समझ में आ रहा है बेटा? इफ यू डू नॉट चीट लाइक टिट्टू, द कैट्स विल हैव दीज पार्ट्स, यदि आप चीट नहीं करोगे ना टिट्टू, यस द कैट्स विल हैव दीज पार्ट्स, यानी कि हाँ देखो बेटा आपको चिट्टू की तरह, टिट्टू की तरह आपको चीट नहीं करना है, राइट? तो आप इस तरह से पार्ट करोगे ना, देखो ये मैंने करके बताया। अब इसको लिखेंगे कैसे? वन अपॉन टू, इसको क्या बोलेंगे? वन
फिर इसको अपॉन बोलेंगे, इसको टू बोलेंगे, यानी इसको हाफ भी बोलेंगे। हाफ को कैसे लिखते हैं? यस, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू ऐसे लिखते हैं हाफ, बराबर। आई बस वन बेटा, ओके। तो इसको हम लोग हाफ भी बोलेंगे, हाफ, एच ए एल एफ, हाफ एंड हाफ। गॉट इट? समझ में आ गया ना मैंने क्या लिखा? ये तो हम लोग ये आधा पार्ट को कैसे लिखते हैं इन मैथ, इन मैथ्स, ओके, इस तरह से। और मानो वर्ड्स में आपको लिखना है कहीं ऐसे, तो हाफ, एच ए एल एफ, हाफ लिख सकते हो, हाफ पार्ट एंड हाफ पार्ट। और देखो ये कर दिया, राइट। अभी देखो आगे क्या पूछा है, हाफ ऑफ हाफ, आधे का भी आधा। पहले आधा आधा था, हमने आधा आधा किया, अब आधे का भी आधा, यानी हाफ का भी हाफ, यानी ये जो हाफ है इसका भी हाफ कर दो, इसका भी। तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ, ये भी फोर्थ, ये भी फोर्थ, ये भी फोर्थ, लेकिन ये पूरा तो वन पार्ट था, पूरा वन है ना, तो ये वन का फोर्थ हम लोग बोलेंगे क्या? वन का भी फोर्थ पार्ट। देखो अभी क्या लिखा है, आगे पढ़ते हम लोग। इफ़ टू मोर कैट्स कम फॉर फूड, मानो और भी दो बिल्ली आई होती ना, हाउ विल यू डिवाइड द चापाटी इक्वली फॉर फोर कैट्स। तो आप उस चापाटी को वो चारों बिल्ली के लिए कैसे कट करते? तो देखो ये क्या बोल रही है, ईच ऑफ अस गॉट अ क्वार्टर ऑफ चापाटी, यू आर गुड डिवाइडर। ये कौन बोला? ये बिल्ली। तो और भी दो बिल्ली आ गई, देखो है ना। तो उन दोनों को भी क्या किया, पहले हाफ हाफ था, हाफ का भी हाफ किया। देखो यहाँ से पहले इन दोनों को दे दिया एक हाफ में से, और एक हाफ बचा, उसमें से ये हाफ किया, इन दोनों को दे दिया। तो ये लड़की गुड है ना, डिवाइडर का मतलब होता है, हाँ, डिवाइड। ओके बेटा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। देखो बेटा क्या बात थी, हमने लास्ट लेक्चर में कहा ना, मैंने आपको वो जो डिवाइडर बोला था ना, एक्चुअली मेरी मिस्टेक थी, वो मैं थोड़ा भूल गया था। डिवाइडर तो किसको बोलते बेटा? जिसका टू पॉइंट्स होता है ना, हाँ, एक ऐसा होता है और ऐसा, राइट, ऐसे दो शार्प निकली होती है ना, नॉक निकली होती है ना, दैट इज कॉल्ड डिवाइडर। इसको तो कंपास ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? कंपास। और इसको काफ़ी लोग इसको राउंडर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको राउंडर। तो ये जो बेटा क्या ना, अभी लेक्चर बने रहता हूँ तो एकदम देखो आपको पता है ना कि अभी ये ऑनलाइन वीडियो बन रहा है बेटा, बराबर। तो वीडियो बनाते बनाते मानो कोई आ जाता है, फिर मतलब कोई डिस्टर्ब कर देता है, तो एकदम माइंड में से निकल जाता है वो चीज़। सो वो मेरी गलती हो गई थी। सो तो बेटा उसको है ना, एक्चुअली उसका रियल नेम इन मैथ्स में उसको कंपास ही बोलते हैं, और मैंने आपको बताया अभी तक कंपास बोलते हैं ना, फिर मैंने बोलता कि इसको डिवाइडर भी, लेकिन एक्चुअली डिवाइडर वो अलग चीज़ होती है। देखो डिवाइडर के अंदर जैसे ये निकला हुआ है ना, नॉक निकली है ना, आपको उसे दिखता है एकदम शार्प दिख रहा है ना, हाँ, ऐसा यहाँ पे भी, दैट इज कॉल्ड डिवाइडर। डिवाइडर के अंदर हम लोग पेंसिल लगा सकते हैं, नहीं है तो इसको राउंडर भी बोल सकते हैं, इट्स वन टाइप ऑफ राउंडर, हाँ, राउंड बनाने सर्कल। लेकिन इसका रियल नेम क्या है? कंपास। ये क्या है बेटा? इसका कंपास, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था ना, वही चीज़ है ये, ठीक है। हमने सर्कल ड्रॉ किया था, फिर सब आपको मैंने समझाया था, ओके। तो इसको कंपास बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कंपास। चलो अब हम लोग फिर से हमारे ये जो टॉपिक है इसके ऊपर आ जाते हैं। तो बेटा उसने हाफ कर दिया, हाफ का भी हाफ किया, ओके। अब देखो हमको एक क्वेश्चन पूछा है, उसको हम सॉल्व करते हैं। हाफ ऑफ मैनी पीसीस, रानी गॉट अ चॉकलेट, रानी को एक चॉकलेट मिली, शी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गेव हाफ टू हर फ्रेंड रीना। एक चॉकलेट मिली, उसमें से उसने हाफ पार्ट है ना अपनी फ्रेंड रीना को दे दिया। सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट, रीना को जो पोर्शन उसके ऊपर सर्कल बना। अब इसका हाफ कर दो, तो क्या आप यहाँ से हाफ करोगे? बोलो नहीं, ठीक से यहाँ पे हाफ नहीं कर पाएंगे ना। तो क्या आप ऐसे कर सकते हो, ये वन पीस दे दिया, फिर ये टू पीस, पहले ये टू पीस दे दो और यहाँ से एक पीस दे दो। तो देखो टोटल सिक्स पीसीस है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, उसको हाफ देना है ना। तो अब यहाँ से हाफ करेंगे तो मे बी इक्वली हाफ नहीं होगा, तो हमको पीसीस देना है ना, वन टू थ्री, ये थ्री पीस दे दो, और ये थ्री पीस किसके लिए बचेगा? रानी के लिए, और रीना को थ्री पीस दे दिया। बट हम ऐसे भी करेंगे, मे बी पॉसिबल है कि वो टूट जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हाफ पीस करते हैं ना। तो हमको क्या बनाना है? सर्कल। तो देखो मैं यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ, देखो बन गया सर्कल, दिख रहा है आपको सबको, ओके, बट इट्स अ ओवल टाइप बना ये, लेकिन नो प्रॉब्लम, ओवल टाइप बना, लेकिन ये बन तो गया है, बराबर, इट्स अ सर्कल। तो ये पता चल गया आपको कैसे बनाना है, ओके चलो अभी क्या लिखा है, हाउ मैनी पीसीस ऑफ चॉकलेट आर देयर, कितने पीसीस चॉकलेट अभी है? तो बोले हाँ, लिखेंगे हम लोग सिक्स पीसीस, राइट, दिख रहे हैं सिक्स लिखा हुआ, ओके। हाउ मैनी पीसीस वर लेफ्ट विथ रानी, अब रानी के पास कितने पीसीस बचे? तो थ्री, कितने पीसीस बचे? थ्री, थ्री उसने दे दिया। क्या बोल रही है? हाफ, ओहो क्या बोल रही, हाँ, हाफ अ चॉकलेट इज एज टेस्टी एज अ होल चॉकलेट।
पूरी चॉकलेट जितनी थे उसी की तरह ये हाफ चॉकलेट भी एकदम टेस्टी है। ये रीना है ना, रीना ही है ना। ओके चलो नेक्स्ट क्या लिखा है नेक्स्ट। मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट। ओके अब एक शीट है ना उसका हाफ हमको बनाना है। टेक अ पीस ऑफ पेपर, कट द शीट इंटू टू इक्वल ट्राइंगल्स सो दैट ईच ट्राइंगल। ओके एक शीट लेनी है। देखो ये आपको प्रैक्टिकली घर पे करना है ठीक है। क्या करोगे आप, सबसे पहले एक पेज ले लोगे। फिलहाल अभी मेरे पास बेटा पेज अभी नहीं है, मेरे पास ओनली टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक ये, नहीं तो मैं आपको बता देता। तो आपको एक पीस लेना है उसको बिल्कुल सेम, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। मानो कि ये हमने एक पेपर लिया, कोई भी एक पेपर ले लो ठीक है, नोटबुक का ले लो या फिर कोई हार्ड पेपर या कुछ भी, उसको ऐसे हाफ कर दिया। ये आपको स्केल से करना है, ये जो लाइन स्केल से, तो ये हाफ हो गया, ये हाफ इसको यहाँ से कट कर दो। कट कर दिए ना, कट करने के बाद ये दो ट्राइंगल बन गए। देखो ये भी ट्राइंगल है ये भी ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल इस तरह से रखा है ना। ड्रो डिफरेंट शेप्स यूजिंग दिस ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल हमने कट्स कर दिए और ऐसे हमको अलग अलग डिजाइन बनानी है। तो देखो ये एक डिज़ाइन बनाई है ट्राइंगल से, बनी है ना ये। अब मानो ऐसी और डिज़ाइन कैसे बना सकते हो, देखो ड्रॉ डिफरेंट शेप्स मतलब ये एक शेप्स बन गया ना ये ट्राइंगल। अब मैं एक बनाऊँ, चलो सबसे पहले तो हम ना एक ट्राइंगल, देखो ये मैं एक्चुअली हाथ से बना रहा हूँ, आप स्केल से बनाना। देखो एक ट्राइंगल मैंने ऐसे रखा और एक दूसरा ट्राइंगल मैंने जो कट्स किया था ना, यानी कि दो, एक ऐसे बन गया। बेटा मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप इसको स्केल से बनाना। देखो ऐसे भी बना सकते हैं ना शेप। एक और शेप मैं सोचूँ तो दोनों ट्राइंगल को ऐसे रखो ना। देखो ऐसे ही बना सकते हो, एक ट्राइंगल इधर और दूसरा ट्राइंगल बिल्कुल उसके पास में चिपका के रखो। एक ऐसा भी शेप बन सकते हैं ना, यानी दो ट्राइंगल जो हमने कट्स किए थे उसी से एक बड़ा ट्राइंगल भी बना सकते हैं। इसको उल्टा कर दो तो ऐसे बनेगा, बनेगा ना ऐसा उल्टा शेप्स। फिर एक सोचो और, एक तो हम लोग जो शीट ली थी ना, शीट को ऐसे ट्राइंगल में बना सकते हो। मानो ये पेपर था हमारा ऐसे ही, तो एक ट्राइंगल ऐसे रखा, एक ट्राइंगल ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। और सोचो चलो अच्छा यहाँ पे दो है ना, आपको कोई भी बनाने, कुछ शेप्स बनाने, मैंने चार बना के दिए, एक या दो आप अपने मन से सोच के बनाना ठीक कर सकते हैं ना। लेकिन पहले कार्ड पेपर लेना, कार्ड पेपर नहीं सिंपल एक पेपर लेकर एक रेक्टेंगल टाइप पेपर होना चाहिए बराबर। फिर ऐसे बीच में से कट करना, ऐसे दो ट्राइंगल बन जाएंगे। ओके कलर करना है तो कर सकते हो और ऐसे ऐसे शेप्स बनाना, उससे आपको पता चलेगा कि डिफरेंट शेप्स कैसे बनते हैं ठीक है। मैनी वेज टू कट इंटू हाफ। अब बहुत सारे कुछ वेज दिए हाफ को कट करने के लिए। आई हैव मेड अ रेक्टेंगल इंटू टू इक्वल पार्ट्स लाइक दिस, ईच पार्ट इज हाफ। अच्छा एक देखो, एक दूसरा रेक्टेंगल लिया है उसको ये बीचों बीच पहले उसने पॉइंट किया होगा, यहाँ पे किया है ना पॉइंट, दिख रहा है आपको। फिर क्या किया पता है कि बीचों बीच यहाँ पे एक हाफ किया होगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पे भी हाफ, यहाँ पे इसके चार पार्ट्स कर दिए होंगे, नहीं मे बी थ्री पार्ट्स, ओके वॉट एवर, लेकिन यहाँ पे हाफ कर दिया। फिर यहाँ से ऐसे कट कर दिया, तो ये दोनों पार्ट्स हैं इक्वल पार्ट्स है। कैसे पार्ट्स है ये दोनों इक्वल, देखो यहाँ पे बताया भी हमको। वी राइट इट एज वन अपॉन टू, अभी मैंने बता दिया ना वन अपॉन टू का मतलब होता है हाफ, इट मीन्स वन पार्ट आउट ऑफ टू। वन अपॉन टू का मतलब क्या होता है बेटा, नीचे जो लिखा है ना वो टोटल पार्ट्स होता है, यानी टोटल, तो ये टोटल पार्ट्स टू यू है ना, टोटल कितने पार्ट्स है टू। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको फिफ्थ के ना सिक्स के ना भी इसके बारे में पढ़ना है। पहले एक पूरा एक पेपर था उसको मैंने कट्स कर दिया, अब कितने पार्ट्स बने, टू पार्ट्स बने, टू में से ये कितना पार्ट हुआ वन पार्ट, और ये भी कितना वन, यानी वन और वन, लेकिन ये वन पार्ट है ना वो पूरा जो दो पार्ट है ना उसका एक पार्ट है, ये जो वन पार्ट है ये पूरे होल पार्ट का वन पार्ट। तो हम लोग उसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, वन अपॉन टू, इट मीन्स वन पार्ट आउट ऑफ टू, ये दोनों का ये वन पार्ट है। You can check it if these parts are equal. Try keeping one on top of the other. आप उसको चेक कर सकते हो, उसके बाद दूसरा पार्ट रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। Okay, got it? See बेटा अभी next question क्या है देखते हैं हम लोग। In how many different ways can you cut a rectangle into half? अब half के अंदर हम लोग को rectangle कट करना है, ये rectangle है इसको half। Draw फाइव डिफरेंट वेज, तो चेको मैं है ना एक आपको बताता हूँ। ओके आप करोगे ना इसको,
देखो इसको आपको नोटबुक में करना है। हाँ मैं आगे भी बता देता हूँ, ये जो है ना, देखो आपको नोटबुक में आज क्या करना है, ये ड्रॉ कर रहे हैं, पहले लिखना है क्वेश्चन, ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग, ओके, ये मैंने इसके अंदर बताया है। अब इसके अंदर कंप्लीट कर लेना, फिर नोटबुक के अंदर करना अच्छे से, इसको तो करना ही है, इसको इसके अंदर भी करना है, नोटबुक के अंदर भी करना है, ठीक है। चलो तो हमको हाफ बनाना है, हाफ ये रेक्ट, तो सबसे पहले तो एक माइंड के अंदर एक पिक्चर आता है, पहले तो यहीं से मैं बना देता हूँ, ये मैंने हाफ बना दिया। आप स्केल से बनाना, अगेन आई एम टेलिंग यू, स्केल से देखो हाफ हाफ हो गया। चलो इसको भी हाफ बनाना है, बहुत सिंपल है, देखो बन गया ना हाफ, ये हाफ हाफ हो गया। चलो इसको सोचो, मैं देखो मैं बता, अभी मैं बना नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो ये हाफ हाफ हो गया ना, ओके। चलो इसके लिए मानो ऐसे एक बना दूँ, यहाँ से, यहाँ से एक ऐसे और एक ऐसे, नहीं ये तो थ्री पार्ट्स हो गया, हमको तो हाफ बनाना है। अच्छा एक ऐसे बनाए ना, एक ऐसे बना दो, तो ये भी हाफ हाफ पार्ट हो गया। अब इसके लिए हो गया हाफ पार्ट, यस ये भी हाफ पार्ट ही है बेटा, ये थोड़ा ऊपर बन गया, थोड़ा नीचे बनाना है ऐसे ऐसे, ओके। देखो कैसे पता चलेगा हाफ पार्ट है, मैं आप एक 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 समझाता हूँ। इसके अंदर दो ट्राइंगल ऐसा निकला है ना, एक ये निकला और एक ये निकला है ना, तो इसके अंदर भी दो निकला हुआ है, देखो एक ये पार्ट निकला हुआ है और इन दोनों को हाफ करो तो ये दोनों इक्वल पार्ट है, ओके। चलो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, बना पाओगे ना ऐसे, ओके ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो क्या लिखा है, कैन यू चेक इट इफ दे आर इक्वल, क्या आपने इसको स्केच चेक किया इक्वल है, हाँ ऑब्वियसली, तो बेटा ये हाफ पार्ट ही है। मैनी वेज टू मेक क्वार्टर, अब क्वार्टर्स क्वार्टर्स कैसे लिखते हैं, मैं आपको ये समझाया ना, को वन अपॉन फोर्थ, वन अपॉन फोर्थ का मतलब क्या होता है, टोटल फोर पार्ट, देखो ये टोटल एक पार्ट पूरा रखा, उसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहले आधा किया ऐसे कर दिया, फिर ऐसे किया और ऐसे, तो ये वन पार्ट, ये टू पार्ट, थ्री पार्ट और फोर्थ पार्ट, टोटल चार पार्ट हुए, तो उसको लिखेंगे कैसे, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर, अभी मैंने समझाया ना, इसको वन, इसको अपॉन बोलेंगे या डिवाइड भी बोल सकते, वन डिवाइड फोर, आई मेक फोर पार्ट्स लाइक दिस, ईच पार्ट इज क्वार्टर, उसको क्वार्टर बोलेंगे, एंड आई कैन राइट इट एज वन अपॉन फोर्थ, इट मीन्स वन पार्ट आउट ऑफ फोर, ये जो है ना वन पार्ट है आउट ऑफ फोर, यानी वन टू थ्री फोर, ये फोर पार्ट्स है ना उसका ये वन पार्ट है, ये भी ऐसा ही है, ये खाली ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये भी ये चारों पार्ट्स का एक पार्ट है, ये भी ये चारों पार्ट है ना उसका ये एक पार्ट है, तो ये इक्वल पार्ट है बेटा, चारों के चारों इक्वल पार्ट है टोटल। देखो मैं अभी समझा था ना, नीचे वाले को टोटल पार्ट्स बोलते हैं, यहाँ पे सबके नीचे फोर लिखा है कि नहीं, यानी टोटल कितने पार्ट्स, ये फोर पार्ट्स है, और ऊपर वन लिखा है मतलब ये वन पार्ट है, ये वन पार्ट पूरे फोर का एक हिस्सा है, ये भी वन पार्ट, ये चारों का हिस्सा है, ये भी वन पार्ट पूरे, तो हम इसको बोलेंगे वन अपॉन फोर। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट रेक्टेंगल इंटू फोर इक्वल पार्ट्स, चलो फोर इक्वल पार्ट्स, तो देखो मैं बना, सबसे पहले मैं हाफ बनाता हूँ, देखो इसको मैं समझा रहा हूँ, हाफ बना दिया ना, अब यहाँ से ऐसे बना दूँ, देखो बन गया कि नहीं, वन और टू और थ्री और फोर पार्ट, वन टू थ्री फोर। अब इसको बनाना हो तो फिर से मैं ऐसे बना देता हूँ, फिर ऐसे बनाया और ऐसे बनाया, पहले हाफ करना तो ही बनेगा, देखो ये भी बन गया वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर। अब इसको सोचो आप नहीं बना पाओगे, अरे ऐसे बनाओ, पहले हाफ कर दो यहाँ से, ऐसे हाफ कर दिया, फिर इसको ऐसे बना दो, ये भी बन गया वन टू थ्री फोर। चलो इसको देखो ये है ना, इसके जैसे बनाते हैं, पहले ये हाफ कर दो, कर दिया, ठीक है, ये ऐसे है ना, हम लोग ऐसे बनाते, बन गया। अभी भी और है मेरे पास आइडिया, लेकिन आप लोग फिर क्या दिमाग लगाओगे, अरे ये तो गलत बात हो गई। चलो अच्छा ठीक है, ये हाफ मैंने बना दिया, अब ये ऐसे बनाया और ये ऐसे बना दिया, हो गया ना, मैं फटाफट हाफ कर देता हूँ, आप देख लोगे, नहीं तो आप देख लोगे, आप देख लोगे, ओके। तो बेटा ये बना दिया, कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल, तो हाँ ये सारे ये चारों की चारों, यस लिख रहे, यस दे आर इक्वल पार्ट, इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, इसका भी ऐसे आंसर लिख सकते हो, ठीक है। और सबके अंदर आप लिखना वन अपॉन फोर्थ, वन अपॉन फोर्थ, वन अपॉन फोर्थ, ओके समझ में आ गया। देखो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखते कटिंग द केक, ओके अभी कट करना है केक को, तो ये वाला पार्ट है ना कटिंग द केक, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आपको इसको पढ़ना है, इसको आए ना खुद समझ में, तो खुद समझ के इसको कर सकते हो, ओके बेटा। चलो अभी हम लोग वर्कबुक के अंदर देखते हैं,
देखो बेटा, हमारी वर्कबुक है ना बहुत एक्स्ट्रा है और बहुत मस्त है, कुछ नया सीखने को मिलता है वर्कबुक के थ्रू भी। चैप्टर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स, क्वेश्चन 1, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अभी हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं था तो अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 अपॉन 7, या फिर इसको वर्ड्स में बोलना हो ना तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3/7, क्या बोलेंगे, 3/7, थ बोलना है पीछे, हाँ, नॉट 7, 3/7 नहीं, 3/7। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 2/5, पहले लिखा है 2 तो हम लोग लिखेंगे 2, फिर अपॉन बनाएंगे या फिर इसको डिवाइड भी बोलते हैं, मैंने बताया ना, फिफ्थ लिखा है, फिफ्थ तो यहाँ पे लिखेंगे फिफ्थ, ओके। 5/7, देखो अभी मैंने बोला 7 तो 5, तो 5/7, अभी तो आप कर पाओगे ना, 1/4, 3/7, ओके। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमको फाइंड आउट करना है, तो बेटा सी, ऊपर वाले को हमेशा न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे न्यूमरेटर कौन है 3 और डिनोमिनेटर कौन है 7। एक और बात बताऊँ आपको, जब भी आपको एडिशन करने का बोला जाए ना तो एडिशन में क्या ध्यान रखने का, नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम होना सबका, नीचे वाला डिनोमिनेटर, मानो आपको 3, चलो अच्छा वो जब आएगा तब सिखाऊंगा, ठीक है। अब इसके अंदर न्यूमरेटर कौन है 5, डिनोमिनेटर कौन है 8, पता चल गया, और ये भी आपको आ गया। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, राइट द फ्रैक्शन, इट्स अ फ्रैक्शन। देखो एक और बात, हमने ये तो समझ लिया कि इसको 3/7 बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको इसको नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, फिर हाफ लिखना हो तो हम 1/2 लिखते, फोर्थ पार्ट लिखना हो तो 1/4 लिखते, लेकिन इस सारे नंबर्स को बोलते हैं कौन से नंबर्स, कौन से नंबर बोलते हैं, तो ये सारे नंबर्स को बेटा फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शंस। फिर से बोल रहा हूँ, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ना, इस टाइप से नंबर, ऐसे नंबर, इस सारे इस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके और भी टाइप्स है फ्रैक्शन के, फिलहाल अभी फोर्थ स्टैंडर्ड में आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब देखो एक ट्राइंगल बना है, उसके अंदर ये पार्ट कलर है ना कलर, तो हमको क्या लिखना है, राइट द फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये टोटल कितने पार्ट है, 2 पार्ट, देखो 1 एंड 2, इसमें कलर, हम इसको बोलते हैं कि कलर पार्ट, हम लोग ऐसा मान ले ठीक है कि ये कलर किया हुआ है, तो कलर वाला पार्ट हम लोग पहले ऊपर लिख लेते हैं और नीचे टोटल पार्ट्स कितने, 2, तो मैं क्या लिखूँ, 1/2। चलो इसके अंदर टोटल कितने, मैंने अभी बताया था ना टेक्स्ट बुक के अंदर, ये सारा पार्ट्स है ना उसको हमेशा नीचे लिखते हैं और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो टोटल कितने पार्ट्स है, नीचे हमेशा टोटल पार्ट्स आते हैं, 1, 2, 3, 4, तो देखो मैंने फोर्थ लिख दिया, उसमें कलर्ड पार्ट कितना है, ओनली 1, 1 ही है ना, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 1, तो ये 1/4 हो गया, 1/4 हुआ ना। चलो मुझे इसके अंदर बताओ, इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाले एफ के अंदर, पहले तो टोटल पार्ट्स गिन लो, यहाँ से देख लो मैं गिन रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 4, देन 5, 6, 7, 8, 8, तो डिनोमिनेटर में 8 लिखेंगे। कितना पार्ट टोटल कलर किया हुआ है, 1 एंड 2, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 2, तो हमने इसको फ्रैक्शन में क्या लिखा, 2/8, गॉट इट। इसी तरह ये कर पाओगे ना आप लोग। चलो शेड द फिगर एज गिवन इन द फ्रैक्शन, शेड करना है, ओके। जैसे कि ये पूरा सर्कल है, इसमें क्या लिखा है, 1/2, जिसको हम हाफ बोलते हैं, तो टोटल 2 पार्ट्स, पहले देखो तो टोटल 2 है, हाँ टोटल है, उसमें से 1 पार्ट कलर है ना, यहाँ पे लिखा है 1/3, यानी हमको कौन शेड करना है, शेड का मतलब कलर करना है, 1/3, तो टोटल नीचे 3 दिया है तो पहले तो 3 पार्ट्स बनाना पड़ेगा, तो मानो ये पॉइंट है इसका, मैं बना दिया, मैं टोटल 3 पार्ट्स बना देता हूँ, देखो बन गया 3 पार्ट्स, 1, 2, 3, नीचे जो नीचे लिखा है ना डिनोमिनेटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 3, मतलब कि 3 पार्ट्स होने चाहिए, और शेड कितना पार्ट करना है, ऊपर वाले को शेड करना है 1, तो मानो ये 1 पार्ट, ये या ये कोई भी एक ले लो, चलो मैं इसको ले लेता हूँ, कर दिया मैंने, आप अच्छे, आप पूरा कलर फील करना तो भी कर सकते हो, ओके कर दिया ना। चलो इसको 1/4 कलर करना है, तो पहले 4th पार्ट बना दो, बना दिया मैंने 4th, अब 1 कर देना, तो 1 वाला, इसमें 1/5, तो 1/5 कैसे बनाओगे, ये थोड़ा बड़ा बन गया, आप अच्छे से बनाना, हाँ चलो बना दिया मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 1 पार्ट क्या करना है आपको, शेड करना है। यहाँ पे भी सेम, देखो नीचे ये लिखा है 4/6, 4/6, दैट मीन्स टोटल 6 पार्ट होंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर देखो 6, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट है ना, हमको कितने को शेड करना है, 4th को, तो ये 1,
ये टू, ये थ्री एंड फोर्थ हो गया। चलो अब इसको देखो, थ्री अपॉन टेन मतलब थ्री टेंथ, थ्री टेंथ टोटल टेंथ पार्ट होंगे। देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, उसमें थ्री पार्ट्स हमको शेयर करने। तो मान लो ये वन कर दिया, आपकी इच्छा फिर इसको करने की तो इसको भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसकी इच्छा तो इसको कर दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थ्री पार्ट्स होने चाहिए। गॉट इट, पता चल गया। फिर देखो इसको ड्राइंग करना है आपको, क्या लिखा है, ड्रॉ सूटेबल फिगर्स शोइंग द फ्रैक्शंस। ये लिखा है 1/7, तो ऐसे मतलब एक ड्राइंग बनाओ 1/7 पार्ट जो शो करता हो। तो मैं जैसे कि बना देता हूँ, देखो बेटा ये मैंने 7 पार्ट वाला बनाया, ये 7 पार्ट वाला दिख रहा है आपको, जिसको हेप्टागन बोलते हैं। ओके देखो इट्स नॉट अ ओके, देखो टोटल 7 पार्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट्स है आपको, उसमें से 1 पार्ट को ना आपको ड्रॉ करके बता दो। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया 1 पार्ट, ओके पता चल गया। इसी तरह सेम एक यहाँ पे बनाना, फिर सेम यहाँ पे, यहाँ पे जिसमें इसमें फोर्थ करना, इसमें 5 और इसमें 3 शेड कर देना। ओके इसके अलावा आपको और भी कोई शेप आता ना, तो वो भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो बेटा। ओके तो चलो आज के दिन इतना, नेक्स्ट बाकी जो है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके तब तक बेटा टाटा बाय बाय एंड यस टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बेटा।